चलो गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स इन ऑफलाइन मोड ऑनलाइन मोड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स अकाउंट सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज ज्वाइंट वेंचर और इसके लास्ट वाले सेशन में हमने इसकी बेसिक जो भी थियोरी है वो सारी की सारी कंप्लीट कर दी थी कि ज्वाइंट वेंचर क्या है अल्टीमेटली क्या था कि ज्वाइंट वेंचर एक तरह की टेम्पररी पार्टनरशिप है जो कोई स्पेसिफिक टास्क या परफॉर्मेंस के लिए मिलती है और जैसे ही वो स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट हो जाता है तो वो जॉइंट वेंचर भी खत्म हो जाता है जिसके अंदर इन्वॉल्व लोगों को हम लोग को वेंचरर्स कहते थे और इसके लिए हमने एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंगशन डिफरेंस स्टडी किया था पहला था उसमें डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर और उसी तरह से जो दूसरा एक डिफरेंस था दैट वॉज जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट और ये दोनों ही डिफरेंस

बल इन्यूमरेबल मतलब लार्ज मैनी मतलब के ये जो मेथड है उसके अंदर क्या होगा सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स आर मेंटेन मतलब हम हर एक ज्वाइंट वेंचर के लिए ज्वाइंट वेंचर जो कोई स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक अंडरटेकिंग के लिए होता है मतलब कोई चौकस काम माटे था तो वो काम के लिए जो ज्वाइंट वेंचर हमने बनाया है वो हर एक ज्वाइंट वेंचर के सेपरेट बुक्स बनाएंगे हम लोग जैसे पार्टनरशिप में अलग अलग बुक्स बनते हैं पी एंड एल अकाउंट बनता है बैलेंस शीट बनती है वैसे ही यहाँ पर हर एक ट्रांजेक्शन के लिए सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स मेंटेन किया जाएगा अभी हम लोग स्पेशली सेपरेट बुक बना रहे तो ऑब्वियसली कब बनाएंगे जब बिजनेस यानी कि अंडरटेकिंग वो बहुत बड़ा हो या उसके अंदर होने वाले ट्रांजेक्शन्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि सेपरेट बुक्स मेंटेन करेंगे अगर ज्वाइंट वेंचर बहुत ही छोटा है तो उसके अंदर ट्रांजेक्शन बहुत ही कम है तो फिर स्पेशली अलग बुक बनाने का क्या मतलब है आप लोगों ने अकाउंट सब्जेक्ट के लिए अलग बुक बनाई है थियोरी सब्जेक्ट के लिए अलग बुक बनाई हो क्यों क्योंकि सर बहुत सारे यूनिट बहुत सारे चैप्टर्स बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमको सेपरेट बुक बनानी पड़ती है बट ऐसा है कि एक ही टॉपिक है पूरे सब्जेक्ट के अंदर दो ही टॉपिक है एक सब्जेक्ट में एक टॉपिक एक सब्जेक्ट में दो टॉपिक तीसरे वाले में एक टॉपिक चौथे वाले में तीन टॉपिक बस इतना ही है तो आप क्या करोगे सर कुछ अलग से बुक बनाने की जरूरत नहीं है हम लोग देख लेंगे हमारी जो रफ बुक है ना उसी में लिख देंगे सिंपल सी बात है क्यों क्योंकि बहुत ही कम कंटेंट है सिमिलरली यहां पर अगर बिजनेस बहुत बड़ा है या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन्यूमरेबल इन्यूमरेबल मतलब बहुत ज्यादा तो उस केस में हम ये मैथड यानी कि सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स को मेंटेन करेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको एग्जाम्पल इसके आएंगे कौन कौन से टेबल बनाने होंगे तो एक बनाना होगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट जो नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है उसके जैसा ही है एमसीक्यू के एंगल से ये काम लग सकता है कि ये कौन से टाइप का अकाउंट है तो हमें पता ही है कि बैंक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट पर्सनल रियल नॉमिनल में से आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट कोई भी बैंक है ये एक नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो आर्टिफिशियल पर्सन यहां पर उतना डिटेल में नहीं जाना है याद क्या रखना है एक अकाउंट बनेगा पर बैंक अकाउंट ज्वाइंट बैंक अकाउंट दूसरा बनेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जो नॉमिनल टाइप का अकाउंट है आपको मैच द फॉलोइंग करके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ज्वाइंट वेंचर इसके अंदर सारे एक्सपेंस इनकम ये सारी चीजें लिखी जाती है ट्रेडिंग एंड पी एल अकाउंट जो होता है ना बस वो ऐसा समझो वो है हमारा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट तीसरा कोवेंचर अकाउंट को वेंचरर मतलब जो पार्टनरशिप है तो कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसी तरह से ज्वाइंट वेंचर है तो को कोवेंचरर्स अकाउंट बनाते देखो सिमिलर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो मेन तीन टेबल बनाने होंगे कौन कौन से तीन टेबल बनाने हैं ज्वाइंट बैंक अकाउंट ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड को वेंचरर अकाउंट फुल फ्लेज एग्जाम्पल में ये तीन टेबल ड्रॉ करते होंगे फिर से एक बार बोल रहा हूं ज्वाइंट बैंक अकाउंट ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड को वेंचरर्स अकाउंट याद रहेगा ये तीन और कौन सा कौन से टाइप का अकाउंट है तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट पर्सनल टाइप ज्वाइंट वेंचर अकाउंट नॉमिनल ऐसा इसलिए क्योंकि जॉइंट वेंचर अकाउंट का जो रिजल्ट होगा उसको हम प्रॉफिट और लॉस ऑन ज्वाइंट वेंचर बोलेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो पता चलेगा और नॉमिनल अकाउंट में याद करो इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस आवक नफो खर्च नुकसान लिखाता हो तो ऑब्वियस है प्रॉफिट या लॉस ये नॉमिनल अकाउंट होगा एंड को वेंचरर नेचुरल पर्सन यानी कि पर्सनल अकाउंट होगा अभी उसके अंदर मेन जो है अपना ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है क्योंकि उसके अंदर अपने को ज्वाइंट वेंचर पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये पता चलेगा तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में कौन सी चीजें कौन सी साइड पर रिकॉर्ड करेंगे मतलब डेबिट साइड पर क्या रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड पर क्या रिकॉर्ड होगा ये सारी चीजें देख लेते हैं तो देखो इट इज इन द नेचर ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि हमने आगे भी देख लिया कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ये ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट जैसा है इसका मतलब क्या होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर हम गुड्स परचेज किए हैं या डायरेक्ट एक्सपेंसिस है या पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पर सब एक्सपेंसिस है वो लिखते थे और ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर सेल्स है कोई और इनकम है क्लोजिंग स्टॉक है वो लिखते थे तो बस वैसा यहां पर ही होगा जो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है वो पी एंड एल अकाउंट जैसा है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होगी गुड्स परचेस गुड्स सप्लाइड बाय को वेंचरर मतलब खरीदा नहीं है दूसरे को वेंचर ने ही हमको प्रोवाइड किया हमारे ज्वाइंट वेंचर के लिए मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने जो एग्जाम्पल लिया था लास्ट वाले सेशन में भाविन सर और जीनल मैडम दोनों ने मिलकर ओवरब्रिज बनाने के लिए एक बीजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये स्टार्ट किया है बीजी ऐसे भी बहुत बिजी रहते हैं तो बीजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये बनाया है अभी इसके लिए हमको फॉर एग्जाम्पल जेसीबी की जरूरत है अभी जे सी बी हम लोग खरीद सकते हैं बट मैं क्या बोलता हूँ यार मेरे पास जे सी बी पड़ा हुआ ही है क्योंकि जॉइंट वेंचर में हमने देखा था कि दोनों जो मतलब जितने भी को वेंचरर्स होते हैं वो अपने सेपरेट बिजनेस भी कर सकते हैं तो भाविल इंफ्रास्ट्रक्चर करके ऑलरेडी कंपनी है ही और उसके अंदर मेरे पास जे सी बी पड़ा ही है तो मैंने क्या बोल एक काम करता हूँ मैं ही ले आता हूँ मैं ही दे देता हूँ सप्लाई कर देता हूँ ऐसे गुड्स भी हो सकते हैं असट्स भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर जो गुड्स परचेस किए वो आएंगे

जबकि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पर क्या आएगा सेल्स, सेल्स, सेल्स या तो अनसोल्ड स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस अब बैलेंस होगा या प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा ऑन वेंचर इसको हम क्या करेंगे को वेंचर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन दर प्रॉफिट का जो भी रिजल्ट आएगा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो वो ऑब्वियस है को वेंचरर्स उनके प्रॉफिट एंड लॉस सैरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जो कि इसके आगे वाले जो थियोटिकल सेशन था उसमें हमने दिखाई था कि जॉइंट वेंचर में जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो को वेंचरर्स उनके एग्रीड पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अगर वो पी एंड एल रेशियो ना दिया हो तो इक्वली क्योंकि उस केस में हमको पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को फॉलो करने हैं तो यहां पर जो भी जॉइंट वेंचर अकाउंट का रिजल्ट आएगा उसको को वेंचरर्स उनके एग्रीड पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे नो सेपरेट अकाउंट फॉर परचेज एक्सपेंस आर मेंटेन ऑल दिस आर डायरेक्टली एंटर्ड इनटू टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट मतलब नॉर्मल ये कुछ याद रखने जैसी चीज ही नहीं है इसका मतलब ये है कि कोई अलग से परचेस अकाउंट नहीं बनाएंगे अलग से सेल्स अकाउंट नहीं बनाएंगे अलग से एक्सपेंस अकाउंट नहीं बनाएंगे जो भी है ना वो सारा का सारा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में लिख दो ऐसा बाकी अगर आप जो नॉर्मल हम बिजनेस के अकाउंट्स लिखते हैं तो उसमें क्या होता है एक्चुअली में हम पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस अकाउंट करके बैलेंस लिख देते हैं बट एक्चुअली में उससे आगे का प्रोसेस याद करो तो ट्रायल बैलेंस बना हुआ होता है ट्रायल बैलेंस से पहले लेजर पोस्टिंग होता है खता वही खतावही खता होनी और वो लेजर पोस्टिंग में एक्चुअली में परचेस अकाउंट अलग से बना हुआ है सेल्स अकाउंट होता है फिर उसका बैलेंस ढूंढते हैं फिर वो ट्रायल बैलेंस में जाता है और उसके ऊपर से फाइनल अकाउंट में हम पी एंड एल अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज या एक्सपेंस लिखते हैं तो यहां पर टेम्पररी है लॉन्ग टर्म का कहां है तो कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनाना है सीधा परचेज है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड पर डाल दो सेल्स है जॉइंट वेंचर में क्रेडिट साइड पर डाल दो कोई एक्सपेंस हुआ है जॉइंट वेंचर में डेबिट साइड पर डाल दो क्लियर कोई सेपरेट अकाउंट बनाएंगे नहीं किसके लिए परचेस सेल्स एक्सपेंस एक्सेट्रा एक के लिए वैसे ये कुछ काम का नहीं है ये सेंटेंस यहां तक की चीजें समझ में आई सबको मेन क्या याद रखना था वो लास्ट वाले में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड पर क्या आता है क्रेडिट साइड पर क्या आता है उससे पहले वाले पेज में क्या याद रखना था कितने अकाउंट बनाना है ज्वाइंट बैंक अकाउंट ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को वेंचर अकाउंट ये याद रखने की चीजें मैं बता रहा हूं समराइज चीज ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में क्या आएगा डेबिट साइड पर Purchase, goods supplied by या expense. Credit side पर sells, unsold stock, stock, या पर यानी कि बात खत्म मतलब ये होता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट जैसा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर क्या आता है पार्टनर ने जो कंट्रीब्यूशन दिया होता है वो क्रेडिट साइड पर कैपिटल अगर उसमें से कुछ निकाल दिया है तो वो ड्राइंग की तरह डेबिट साइड पर अगर पार्टनर ने कोई गुड्स या कोई असैट सप्लाई किया है तो वो भी कैपिटल ही होती है याद करो आज से हजारों साल पहले इलेवेंथ स्टैंडर्ड में कैपिटल की डेफिनेशन आप पढ़े थे मूडी व्याख्या धंधा नो मालिक धंधा मालिका जेपर रोकड़ माल के लावे एनी कैश और गुड्स ब्रॉट इन द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल तो यहां पर ज्वाइंट वेंचर यानी कि को वेंचर कोई पैसा डालता है अपने बिजनेस में से कोई गुड्स लेके आता है या कोई असेट लेके आता है वो सब कैपिटल ही हुई तो कैपिटल कहां पे लिखी जाती है क्रेडिट साइड पर तो सेम चीज यहां पर देखो दिस अकाउंट इज लाइक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन बिटवीन द वेंचर एंड को वेंचर वेंचर मतलब बिजनेस हो बिजनेस और हर एक को वेंचर के साथ जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो तो इसमें क्रेडिट साइड पर क्या रिकॉर्ड होगा वॉट दे कॉन्ट्रीब्यूट टू वेंचर लाइक कैश गुड्स और असेट्स ब्रॉटिन को वेंचर वेंचर में यानी कि बिजनेस में जो भी पैसा लेके आता है जो बैंक अकाउंट में भी आया होगा या कोई गुड्स लेके आता है या कोई असेट लेके आया है वो सब क्रेडिट साइड पर और डेबिट साइड पर कुछ भी विडड्रॉ वो करता है तो वो विड्रॉल कहाँ जाता है डेबिट साइड पर लाइक like, आखिर में कुछ गुड्स बचा था तो वो ले गया असैट पड़ी हुई थी तो बोलता है मैं ले जाता हूँ तो ठीक है तो तेरा इतना ड्राॅइंग हो गया लाइक जे सी बी मैं लाया था बिजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में तो मैंने कॉन्ट्रीब्यूट किया तो मेरे कैपिटल में आएगी पर अभी एट द एंड ऑफ द ईयर जीनल मैडम बोल रहे यार भाविन सर आपके पास तो ऑलरेडी चार जे सी बी पड़े और ये जे सी बी का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होता है मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है पर मेरे में तो जे सी बी है ही नहीं तो मैं ले जाऊँ इतने प्राइस डिसाइड किए ठीक है आप ले जाओ तो वो क्या हो गया? उनका विड्रॉल अभी चाहे वो गुड्स विड्रॉ किए हो कैश विड्रॉ किया हो या वेंचरिंग कैश तो co जो, जो भी है क्रेडिटेड एंड गुड्स और सेल्स प्रोसेड टेकन ओवर बाई को वेंचर जैसे मैंने कहा कि गुड्स लेके जाता है सेल प्रोसीड का मतलब क्या होता है कैश सेल प्रोसीड का मतलब सर प्रोसीड मतलब प्रोसेस और सेल्स से वेचारण तो वेचना प्रोसेस नहीं सेल्स प्रोसीड का मतलब होता है गुड्स बेच के जो पैसा आया है वो यानी कि कैश तो कैश या गुड्स या असेट ले जाते हैं तो वो डेबिट साइड पर कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो क्रेडिट साइड पर क्लियर हुआ चलो यहां तक की चीजें एक बार फिर से रिकॉल करवा दू फिर हम लोग ज्वाइंट बैंक अकाउंट चलो पहले ज्वाइंट बैंक अकाउंट देख लेते हैं फिर सारी चीजें मैं रिकॉल करवा देता हूं ज्वाइंट बैंक अकाउंट में क्या होगा बैंक अकाउंट है जितने पैसे लाए हैं और रिसिप साइड पर जितना पैसा गया है पेमेंट साइड पर बैंक अकाउंट में वैसे भी यही तो होता है ठीक है तो देखो फॉर द बेटर फाइनेंशियल कंट्रोल अ बैंक अकाउंट इज ओपन स्पेशली फॉर द वेंचर मतलब हर एक ज्वाइंट वेंचर के लिए अलग से ज्वाइंट बैंक अकाउंट बना देंगे ताकि उस पर्टिकुलर बिजनेस के ट्रांजेक्शन उसी में से हो सके समझ में आ रहा है तो हर एक स्पेशल बिजनेस के लिए यानी कि हर एक ज्वाइंट वेंचर के लिए सेपरेट ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाया जाता है दिस अकाउंट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप हम कैश एंड बैंक अकाउंट बनाते थे ना पार्टनरशिप में एडमिशन रिटायरमेंट ये सब चैप्टर्स याद करो भागीदारों प्रवेश निवृत्ति तो उसमें कैश अकाउंट एंड बैंक कैश एंड बैंक अकाउंट बनता था तो उसके जैसा ही है लेफ्ट साइड पर सारी रिसिप्ट राइट साइड पर सारे पेमेंट्स और फाइनली टैली हो जाएगा देखो ऑल कैश डिपोजिट्स डैट मीन्स के मनी रिसिव्ड और सेल्स डेबिट साइड एंड ऑल विद्रॉवल्स फ्रॉम द बैंक विद्रॉवल्स यहां पर ड्रॉइंग नहीं हो बैंक में से विद्रॉवल्स वो सब क्रेडिट साइड पर क्योंकि विदड्रॉवल मतलब पेमेंट हुआ अभी बैंक में से कोई खर्चा पे किया या गुड्स परचेस किया उसका पेमेंट किया जो भी है बैंक में से पैसा गया मतलब पेमेंट साइड यानी के क्रेडिट साइड बैंक में पैसा आया तो रिसीप साइड यानी के डेबिट साइड क्लियर हुआ जनरली कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेंचर एंड सेल्स प्रोसिड्स आर डिपोजिटेड इन धीस अकाउंट ये नॉर्मली बोला है कि कैपिटल ला है तो वो बैंक अकाउंट में डिपोजिट कर देते हैं गुड्स बेचा है तो उसके जो पैसे होंगे वो बैंक अकाउंट में डिपोजिट कर देंगे सिमिलरली सारे के सारे जो पेमेंट्स हैं वो भी बैंक अकाउंट से किए जाते हैं तो ये सेंटेंस को याद रखने की जरूरत नहीं है ये ऊपर आ ही गया कि जितनी भी डिपोजिट है यानी कि रिसिप्ट है बैंक अकाउंट में डेबिट साइड जितना भी पेमेंट है वो सब बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड बोलो यहां तक की चीजें क्लियर हुई सबको कंप्लीट नाउ इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ प्रोसीजर टू क्लोज द अकाउंट पहले तीन अकाउंट की हमने बात की अभी उसके अकाउंट क्लोज करने का प्रोसेस भी समझ लो इतना हो गया ना मतलब समझ लो आपके चैप्टर के एग्जाम्पल खत्म फिर आपको जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए बट वो बेसिक से इलेवंथ स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं सिंपल लॉजिकली सोच के भी आपको पता चल जाएगा क्योंकि आगे ये तो समझ में आ गया कि कौन सी चीज डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करनी है कौन सी चीज क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करनी है तो वही रिकॉर्ड करने का आने वाला है तो रिकॉर्डिंग आपको सब कुछ समझ में आ गया अभी लास्ट में मैं रिवाइज करवाता हूं अब हम लोग बात करेंगे अकाउंट क्लोज करने का प्रोसेस कैसा होगा तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को हम लोग पहले क्लोज करेंगे सबसे पहले क्या क्लोज होगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट हम इसी सीक्वेंस में टेबल भी बना सकते हैं ज्वाइंट वेंचर अकाउंट फिर को वेंचर अकाउंट और लास्ट में बैंक अकाउंट क्योंकि बैंक अकाउंट क्या होने वाला है टैली वो टैली हो जाएगा इट्स लाइक बैलेंस इट सो सर बैलेंस इट क्यों नहीं बैलेंस इट क्यों नहीं चलो मुझे सोच के बताओ बैलेंस शीट क्यों नहीं बनेगी एसेट क्यों नहीं होगी जेसीबी भी लेके आया कोई और भी एसेट की जरूरत पड़ सकती है लाइबिलिटी भी हो सकती है टेम्पररी पार्टनरशिप है बैलेंस शीट क्या है क्लोजिंग बैलेंस जो कि नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस बनने वाला है मतलब आप याद करो थोड़ा फंडामेंटल याद करवाओ तो यहां पर जो नॉर्मल बिजनेस होता है वो सोल प्रोपराटरशिप पार्टनरशिप या कंपनी वो एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फंडामेंटली तो टाइम और फिर इस लॉन्ग टाइम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जो हर एक पार्ट एक साल का होता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट यहां पर तो क्या है बिजनेस की लॉन्ग लाइफ है ही नहीं तो टुकड़े कहां से करेंगे तो यहां पर लॉन्ग बिजनेस लाइफ ही नहीं है तो बैलेंस शीट होगी ही नहीं समझ में आ रहा है फंडामेंटली तो यहां पर बैलेंस शीट नहीं आएगी लास्ट जैसा डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में होता है पार्टनरशिप फॉर्म डिजोल्व हो जाती है उसमें देखो बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट ही बनता है जो कि टैली हो जाता है तो यहां पर भी ऐसा ही होगा तो पहले ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जिसमें हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड डेबिट साइड का टोटल करेंगे डिफरेंस ढूंढेंगे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा निकलेगा तो प्रॉफिट तो उसको क्या करेंगे डिफरेंस लिखेंगे डेबिट साइड पर पर उसको क्या करना है जो प्रॉफिट हुआ ज्वाइंट वेंचर के ऊपर प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट पार्टनर इन दैन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो और अगर ना दिया हो तो इक्वली या तो पी एंड एल रेशियो में ना दिया हो तो इक्वली और अगर प्रॉफिट है प्रॉफिट है तो फिर उसको कैरी फॉरवर्ड कहां पर करेंगे को वेंचर के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जैसे कैपिटल अकाउंट था कि अगर प्रॉफिट हुआ है पार्टनरशिप में रिवैल्युएशन प्रॉफिट या रिवेलुएशन लॉस तो रिवैल्युएशन प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखते थे तो यहाँ पर जॉइंट वेंचर अकाउंट का प्रॉफिट निकला वो तो प्रॉफिट को पार्टनर्स के पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके फिर को वेंचर अकाउंट जो इसके बाद बनता है देखो ये रहा उसमें क्रेडिट साइड पर लिख देंगे अगर डिफरेंस लॉस निकला मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ तो डिफरेंस लिखेंगे जॉइंट वेंचर में क्रेडिट साइड पर पर उसको बोलेंगे लॉस ऑन जॉइंट वेंचर लॉस को भी पी एंड एल रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे करेंगे बट उसको फिर आगे कैरी फॉरवर्ड को अकाउंट में डेबिट साइड पर क्लियर फिर जो को कोवेंचर अकाउंट है उसका डिफरेंस ढूंढेंगे उसका जो भी डिफरेंस होगा वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे मतलब के ज्यादा पैसे होंगे तो वो पैसे विद्रॉ कर लेगा और उसका कम कंट्रीब्यूशन है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे लाने पड़ेंगे मतलब भाविन सर एंड जीनल मैडम दोनों साथ में ज्वाइंट वेंचर में बिजनेस कर रहे थे अभी को वेंचरर अकाउंट बनाया उसमें पता चला कि क्रेडिट साइड पर मेरा टोटल एक लाख रुपए हो रहा है मतलब के क्रेडिट साइड पर क्या होता है जो को कोवेंचरर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है वो डेबिट साइड पर जो अमाउंट मैंने निकाली है या जो एक्सपेंस मुझे पे करने थे वो सेवेंटी के हुए तो थर्टी मेरे एक्स्ट्रा है जॉइंट वेंचर में मैं क्या कर लूंगा विथड्रॉ करूँगा सामने जीनल मैडम का ऐसा है कि उनका क्रेडिट साइड का टोटल है डेबिट साइड का टोटल निकला लाख रुपए मतलब उनका कम है वो ऑलरेडी विद्रॉ ज्यादा कर चुके हैं तो दस हजार जीनल मैडम आप लेके आओ हा जरूरी नहीं है कि दोनों को वेंचर का डिपोजिट और विड्रॉल का अमाउंट सेम ही निकले क्योंकि सेम तो बैलेंस यहां पर कैश अकाउंट टैली होगा तब पता चलेगा ठीक है तो ये जरूरी नहीं है कुछ एग्जाम्पल में सेम भी निकल सकता है मतलब भाविन सर को 30000 विथड्रॉ करना है जिनल मणि को 30000 लाने पड़ेंगे तो सेम अमाउंट हुई पर जरूरी नहीं है कि हर बार सेम अमाउंट ही निकले कि जितना कोई विथड्रॉ करेगा उतना ही कोई लेके भी आएगा ठीक है तो लास्ट में बनेगा जॉइंट बैंक अकाउंट जो कि क्या हो जाएगा टैली हो जाएगा बोलो समझ में आई यहां तक की चीज है कंप्लीट अभी मैं आपको पूरा तीन मिनट के अंदर पूरा ये सेशन का ओवरव्यू दे देता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम्पल यही सॉल्व करने होंगे फुल फ्लेज एग्जाम्पल उसके बाद उसकी एंट्रीज जर्नल एंट्री हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बट वो सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको तो याद रखना होगा कौन सी चीज कहां पर रिकॉर्ड होती है कौन से टेबल बनते हैं तो कौन कौन से टेबल बनने वाले हैं तीन टेबल पहले ज्वाइंट वेंचर अकाउंट याद रखेंगे फिर को कोवेंचर अकाउंट फिर बैंक अकाउंट ज्वाइंट बैंक अकाउंट ठीक है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट वेंचरर्स अकाउंट ज्वाइंट बैंक अकाउंट अब पहली बात करते हैं ज्वाइंट वेंचर अकाउंट की ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड पर क्या आएगा गुड्स परचेस गुड्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय को वेंचरर एंड एक्सपेंस पेड फ्रॉम वेंचर तीन चीज है गुड्स परचेस गुड्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय को वेंचरर एंड एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड पर क्या आएगा गुड्स सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक यानी कि अनसोल्ड स्टॉक फिर उसका टोटल करेंगे उसका बैलेंस जो आएगा या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा प्रॉफिट या लॉस को क्या करना है को वेंचरर्स के बीच में उनके पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अगर प्रॉफिट निकला है तो को कोवेंचरर अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लॉस निकला है तो को कोवेंचरर अकाउंट में डेबिट साइड पर लिख देंगे फिर को कोवेंचररर अकाउंट का टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करेंगे अभी उसमें टोटल में जो भी डिफरेंस आएगा वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे कोई भी साइड भी आ सकता है डेबिट साइड पर आएगा तो एक डेबिट साइड पर और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पर अगर कोई को कोवेंचररर का क्रेडिट साइड पर डिफरेंस निकला तो वहां पर बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पर और फिर बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पर क्योंकि उतना पैसा वो लाया होगा ठीक है और लास्ट में बनेगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट और ये ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा टैली हो जाएगा मतलब अपना एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट सही था और एग्जाम्पल वहां पर खत्म होगा क्लियर तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो कंप्लीट की अभी वो सारी चीजों के लिए जरूरी है कि हमको जर्नल एंट्री पता हो तो हम एग्जाम्पल के अंदर सही सही ट्रीटमेंट डाल पाएंगे पूरी चीज पता चल गई कि बनाना क्या है पर अभी मैंगो क्या है ये भी जान लेते हैं मतलब वो बनाना मैंगो उसके अंदर एक्चुअली में रिकॉर्ड क्या करना होगा कैसे करना होगा ये डिस्कस कर लेंगे और ये समझ में आ गया उसके बाद अपने सारे के सारे एग्जाम्पल बहुत ही आराम से आसानी से अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे क्लियर हो रहा है तो हम लोग ये जर्नल एंट्रीज जो है वो डिस्कस करेंगे इससे पहले एक बार फिर से बता दूं आप ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स या ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जो कि पता ही आप लोगों को कोई भी मोड में करंट ईयर ईयर में में या में, या नेक्स्ट एकेडमिक एडमिशन आपका आपके फ्रेंड्स का लेना बाकी हो तो आप सबको सजेस्ट कर सकते हैं कि वो एडमिशन अपना रजिस्टर्ड करवा दे क्लियर चलिए अभी हम लोग बात करते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज की अभी जर्नल एंट्रीज बहुत ही सिंपली समझ लेनी है बहुत ईजी है कहां पर डेबिट कहां पर क्रेडिट होता है वो याद रखना ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा देखो अमाउंट डिपोजिटेड इन ज्वाइंट बैंक अकाउंट मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल जैसा ही बोलता जाता हूं कि भाविन जिनल मैडम स्टार्टेड अ बिजनेस अभी वो बिजनेस का नाम दिया होगा लाइक अंडरटेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर ब्रिज फॉर विच जीनल मैडम एंड भाविनसर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू लैख रुपीज इच दोनों दो दो लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए तो क्या होगी जर्नल एंट्री एक तो बैंक में पैसे आए मतलब पैसे ला रहे तो बैंक अकाउंट होगा और किसने दिए भाविन सर एंड जीनल मैडम यानी कि कोवेंचर अकाउंट तो यहां पर देखो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट एग्रीगेट टू लाख रुपीज टू एज कैपिटल जो अमाउंट होगी जो एग्जाम्पल में दी होगी वो अमाउंट पर हमको पता ही है देखो जब भी हमने ज्वाइंट बैंक अकाउंट में क्या लिखा था डेबिट साइड पर क्या आएगा कोई भी डिपोजिट तो दो लाख रुपए लाए है पार्टनर्स कोवेंचरर्स तो वो डिपोजिट होंगे अगर कोवेंचर ला रहे हैं कोई पैसे तो वो को वेंचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जाता है case, तो वो के में आपको जर्नल एंट्री लिखने की नहीं आएगी आपको आएगा सीधा लेजर पोस्टिंग करना तो लेजर पोस्टिंग में क्या सोचना है क्या याद रखना है कि को वेंचर पैसे लेके आए ना तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखो को वेंचर के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखो समझ मारे आप टेबल में देख सकते हो ज्वाइंट बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पर को कोवेंचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पर याद ये रखना जर्नल एंट्री में आपके फंडामेंटल्स के लिए समझा रहा हूं फॉर गुड्स एंड अदर असेट्स ब्रॉट इन बाय को वेंचरर जैसे कैश लेके आया वैसे ही गुड्स या कोई असेट लेके आया तो भी एंट्री क्या होगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट वो ज्वाइंट बैंक था वहां पर ज्वाइंट बैंक नहीं होगा क्या हो जाएगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट वैसे भी याद करो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड पर क्या क्या चीजें थी गुड्स परचेस और सप्लाइड बाय को वेंचरर तो यहां पर को वेंचरर लेके आया ना तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे एंड को वेंचर के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लेजर पोस्टिंग के लिए आप यहां पर लिखना चाहो ना तो लिख सकते हो वैसे तो जर्नल एंट्री पर से वैसे ही पता चल जाता है के जेवी अकाउंट डेबिट को वेंचर अकाउंट क्रेडिट ऐसा आप लिख दो ये लिख दो आप लोग ताकि पता चले लेजर पोस्टिंग कैसे हो रहा है जब कोई अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो जेबी अकाउंट में डेबिट साइड मतलब बैंक सीवी यानी कि में क्रेडिट साइड ये लेजर पोस्टिंग के मैं रूल बता रहा हूं क्योंकि आपको लेजर पोस्टिंग ही करना होगा ट्रांजेक्शन इसी तरह से दिए होंगे जो हम एक्साम्पल करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा और एक एक्साम्पल भी समझ में आ गया ना मतलब सारे एग्जाम्पल सारे क्लियर फॉर पेमेंट फ्रॉम ज्वाइंट बैंक अकाउंट अभी वो गुड्स परचेज करने के लिए हो या कोई एक्सपेंस के लिए हो ज्वाइंट वेंचर का कोई खर्चा पे हो रहा है बैंक में से तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और खर्चा है या गुड्स परचेस है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होता है देखो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट तो लेजर पोस्टिंग कैसे होगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड पर ज्वाइंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पर ठीक जर्नल एंट्री और उसके साथ ये लेजर पोस्टिंग खास याद रखना आपको एग्जाम्पल में लेजर पोस्टिंग करना होगा उसके बाद फॉर गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट अब ये एक्सट्रीम केस में हो सकता है कि कोई गुड्स क्रेडिट पे खरीदे क्रेडिट पे खरीदे तो बैंक अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि पैसे नहीं दिए पर गुड्स खरीदे तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट तो आएगा ही तो जिसके पास से हम खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स बन जाते हैं तो देखो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अभी हमको यहां पर संड्री क्रेडिटर अकाउंट तो बनाना ही नहीं है तो जब लेजर पोस्टिंग होगा तो सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट आएगी क्या ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड पर क्योंकि क्रेडिटर के अकाउंट नहीं बनाने हैं फॉर एक्सपेंस पेड बाय को वेंचरर को वेंचरर ने कोई ज्वाइंट वेंचर का खर्चा पे किया तो ज्वाइंट वेंचर यानी कि बिजनेस उसका खर्चा है तो ज्वाइंट वेंचर में डेबिट होना चाहिए अब अगर ज्वाइंट वेंचर में से पेमेंट होता तो बैंक अकाउंट में से पेमेंट किया जाता तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा यहां पर बैंक में से पेमेंट नहीं किया कोई इंडिविजुअल को वेंचर ने पे किया है तो ऑब्वियस है कि उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा तो यहां पर देखो ज्वाइंट बैंक अकाउंट टू तो ज्वाइंट सॉरी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू तो को वेंचरर अकाउंट तो इसका लेजर पोस्टिंग क्या होगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड एंड को कोवेंचर में क्रेडिट साइड जो उसने वो पेमेंट किया होगा उसके अकाउंट में सेम अगर डिपॉजिट इन ज्वाइंट बैंक ये तो वैसे भी आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन जैसा कि पैसे को कोवेंचर ने बैंक में डिपॉजिट किए एक एक लाख रुपए दो दो लाख रुपए या ऐसा कुछ भी तो या डिपॉजिट इन ज्वाइंट बैंक अकाउंट कोई गुड्स सेल करके आए हो को, को वेंचर ने दिए तो आगे वाले में आ गया पर यहां पर ऐसा समझो कि गुड्स सेल करके पैसे मिले डिपोजिट इन ज्वाइंट बैंक अकाउंट फॉर एग्जाम्पल फॉर सेल ऑफ गुड्स तो पैसे आए तो एक तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट में आएंगे तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पर और सेल हो तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पर क्लियर ये लिखना हो यह समरी नोट है ये याद रह गया ना दो मिनट में पूरा चैप्टर क्लियर क्योंकि इतना ही याद रखना है फॉर गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट अभी देखो जैसे गुड्स क्रेडिट पे खरीदे थे वैसे गुड्स क्रेडिट पर बेचे सेल होगा तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट यह कन्फर्म है अगर कैश में बेचा होता तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं यहां पर कैश में नहीं बेचा क्रेडिट पे बेचा है तो डेटर्स होते हैं तो क्या होगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर पर अभी अपने को डेटर अकाउंट तो बनाना ही नहीं है तो सिर्फ ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्टिंग के लिए इतना ही याद रखोगे ये पोस्टिंग है उसके मार्क्स मिलने वाले हों क्योंकि एग्जाम्पल में यही करना होगा Then, अभी इसके साथ कनेक्टेड है वेन क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया तो पेमेंट करेंगे तो बैंक में से पैसे जाएंगे तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और किसको दिए क्रेडिटर्स को तो क्रेडिटर्स यहां पर क्रेडिट थे अभी उनको पैसे मिल गए तो वो डेबिट हो जाएंगे तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्योंकि बैंक में से पैसे जा रहे हैं तो लेजर पोस्टिंग में सिर्फ एक ही होगा और क्रेडिटर अकाउंट देखो ऊपर क्रेडिट था यहां पर डेबिट का क्लोज हो गया ऑटोमेटिक वैसे भी अपने को नहीं बनाना था और बनाना भी होता तो वो क्लोज भी हो जाता सिमिलरली यहां पर कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स जो गुड्स क्रेडिट पर बेचे उसके पैसे हमने कलेक्ट कर लिए तो अगर पैसे लेते तो बैंक अकाउंट डेबिट और ये पैसे किसके पास से मिलते जिनको हमने क्रेडिट पर गुड्स सेल किया था वो यानी कि डेटर्स के पास से तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर डेटर्स का अकाउंट तो अपने को बनाना ही नहीं है तो लेजर पोस्टिंग में सिर्फ एक ही होगा क्या बैंक अकाउंट में 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 डेबिट साइड पर समझ में आ रहा है फिर मैं आपको लास्ट में पढ़ने के लिए टाइम देता हूं फॉर अमाउंट रिसीव्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ओवर ब्रिज बनाने का काम हमने वडोदरा महानगर सेवा सदन के पास से लिया था और वो कॉन्ट्रैक्ट का काम खत्म हो गया पच्चीस लाख रुपए मिले तो पैसे मिलेंगे पैसे मिलेंगे तो ऑब्वियस कि बैंक में पैसे आएंगे तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट और ये कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मिले मतलब एक तरह से सेल ही हुआ हमारा काम था ओवरब्रिज बना के देना गुड्स होते तो गुड्स बेच के पैसे आते हैं हमने ओवर ब्रिज बनाया था तो ओवरब्रिज बन गया तो उसके पैसे मिले मतलब हमने हमारा गुड्स सेल कर दिया ऐसा समझो तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पर तो पोस्टिंग क्या होगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट में डेबिट और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना है तो ये चीज आती है फॉर रिसिप्ट ऑफ शेयर और डिबेंचर एज रेम्यून ऑन कंप्लीशन ऑफ जॉइंट वेंचर अकाउंट ये थोड़ा एग्जाम्पल यहां तक का बहुत सिंपल है बट थोड़ा सा डिफिकल्टी का लेवल बढ़ाना है ना तो वो क्या करेंगे भी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस जो 30 लाख रुपए या पच्चीस लाख रुपए थी ना तो वो 25 लाख रुपये मुझे कैश में नहीं दे रहे ऐसा कर रहा है कि 20 लाख रुपए का हम आपको शेयर दे, दे देंगे या डिबेंचर दे, दे, दे देंगे मैंने अदानी के किया अंडर का कॉन्ट्रैक्ट लिया था अभी हमने काम कर दिया तो उनको कमीशन पे करना पड़ेगा हमको और अभी जो कमीशन पे करेंगे वो कमीशन ने मैं उन्होंने ऐसा बोला कि आपका 25 लाख रुपए का कमीशन हो रहा है 20 लाख रुपए के हम अदानी के आपको शेयर दे देते हैं पाँच लाख रुपए कैश में दे देते तो, हैं तो डिपेंड करता है मैं रेडी हूं हाँ अदानी के शेयर मुझे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं लूंगा ठीक है ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कि नहीं आपको शेयर लेने ही पड़ेंगे तो अगर ये शेयर मिले और हम लोग एग्री है तो पैसे मिलने की जगह पर क्या मिला शेयर तो वो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट होता था उसकी जगह पर क्या होगा जो शेयर या मिले है वो अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर तो अभी ये शेयर अकाउंट तो बनाना ही नहीं है तो इसका पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ कहां होगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आर सोल्ड अभी ये जो शेयर मिले हम लोग तो ज्वाइंट वेंचर में लॉन्ग टर्म के लिए तो रहने नहीं वाले हैं साथ में तो वो शेयर रख के हम करेंगे क्या तो हम क्या करेंगे भी शेयर बेच दो ये शेयर बेच देते हैं और उसमें से पैसा ले लेते हैं अभी ये शेयर बेचे तो तीन सिचुएशन हो सकती है या तो जो फेस वैल्यू पे हमको मिले बीस लाख के शेयर मिले और मार्केट प्राइस भी बीस लाख रुपए ही चल रही है बीस लाख के शेयर मिले मार्केट में उसकी प्राइस चल रही है बाईस लाख रुपए तो ज़्यादा मिले प्रॉफिट होगा बीस लाख रुपए के शेयर मिले मार्केट में चल रहा है नाइनटीन लाख रुपए एक लाख का घाटा हुआ तो तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है सोल्ड एट बुक वैल्यू सोल्ड विथ प्रॉफिट सोल्ड विथ लॉस अभी जैसे भी बेचा हो मतलब बीस लाख के शेयर बीस लाख में बेचे बीस लाख के शेयर बाईस में बेचे या बीस के शेयर उन्नीस में बेचे पैसे तो आने ही वाले हैं ट्वेंटी नाइनटीन या ट्वेंटी टू तो पैसे आएंगे तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू अभी कितना फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट है ट्वेंटी लैख के शेयर सोल्ड एट मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए ट्वेंटी टू लैख तो पैसे कितने मिलेंगे ट्वेंटी टू लैख रुपीज क्योंकि इतने में बेचा है तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट होगा ट्वेंटी टू लैख से उसके सामने शेयर या डिबेंचर कितने रुपए के दिए बीस लाख के तो टू शेयर और डिबेंचर अकाउंट ट्वेंटी लाख और जो दो लाख है वो क्या है प्रॉफिट प्रॉफिट या सेल्स ये सब कहां आता है ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट लॉस होता तो वेंचर में डेबिट तो यहां पर टू लाख तो जो पोस्टिंग करेंगे पोस्टिंग करेंगे वो कहां कहां होगा तो एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पर क्योंकि पैसे मिल जाते एंड ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट साइड पर सैर डिवेंचर में नहीं आएंगे क्योंकि वो तो यहां पर डेबिट हुआ यहां पर सॉरी क्रेडिट हुआ यहां पर डेबिट हो जाएगा सॉरी ये यह रहा यहां पर डेबिट हुआ यहां पर क्रेडिट हो गया बुक वैल्यू में तो 20 के 20 में ही बेचे तो बैंक अकाउंट डेबिट ट्वेंटी लैख टू शेयर अकाउंट ट्वेंटी लैख तो नो प्रॉफिट नो लॉस तो इस केस में सिर्फ ऐसा ही होता कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट में ज्वाइंट बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पर बस इतना ही पोस्टिंग होता profit से बेचा है तो तो में में और जो profit हुआ वो joint venture में credit. अगर loss से बेचा है मतलब 20 ,00 के का ,00 तो ,00 अपना घाटा उनका कुछ नहीं जाता तो नाइनटीन लैख रुपीज ये बैंक अकाउंट में डेबिट एक लाख का नुकसान नुकसान कहां आता है ज्वाइंट वेंचर में डेबिट साइड पर यहां पर अगर डेबिट वर्ड ना लिखा हो ना तो लिख देना जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट वन लैख टू शेयर और डिबेंचर ट्वेंटी लैख और जो लेजर पोस्टिंग होगा उसमें कहां, -कहां रिकॉर्ड होगा तो जॉइंट बैंक अकाउंट में भी डेबिट एंड जॉइंट वेंचर अकाउंट में भी डेबिट समझ में आला के ऊपर से गेला समझ में आया परफेक्ट अभी ये दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बेचता नहीं है मैं ले जाता हूं अभी मार्केट में प्राइस कम चल रही है नाइनटीन लाख रुपीज चल रहा है बीस लाख के शेयर लिए थे 19 चल रहा नहीं बेचना है ठीक है तो मैं मेरे हिस्से के शेयर मेरे घर ले जाता हूँ वो कर बेच दे ले जा जो करना है वो तो यहां पर क्या करेंगे और टेकन ओवर तो अभी वो भी ये कर सकते हैं या तो बुक वैल्यू पर टेक ओवर करें बीस लाख के डिवेंचर है बीस लाख में ही ले जाएंगे या मोर देन बुक वैल्यू बीस लाख के शेयर बाईस में ले जाते हैं या लेस देन बुक वैल्यू अभी सिर्फ डिफरेंस इतना होगा डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि जब बेच दिया तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट होता था क्योंकि तो पैसे मिल जाते थे यहां पर तो हमने बेचा ही नहीं है तो कैपिटल अकाउंट यानी कि को अकाउंटर के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे टू सैर और डिवेंचर बाकी सारी चीजें सेम तो देखो को वेंचरर्स अकाउंट यानी कि को अकाउंट तो अगर विद्रॉ कर रहे हैं तो को कोवेंचर के अकाउंट में डेबिट साइड पर जैसे बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था उसकी जगह पर को वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड पर एंड ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में सॉरी क्रेडिट होगा ही नहीं ना ना दे रहे हैं बस एक ही एंट्री सपोज ज्यादा प्राइस पे ज्यादा प्राइस पे ले जा रहे हैं मोर देन बुक वैल्यू तो यहां पर क्या होगा मतलब 22 लाख रुपए में ले गए तो प्रॉफिट हुआ तो वेंचरर अकाउंट में डेबिट साइड पर और जो प्रॉफिट हुआ है वो ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट साइड पर वो कौन सा होगा प्रॉफिट की अमाउंट मतलब ज्यादा वाली अमाउंट और अगर लॉस होगा मतलब कम अमाउंट पे ले गए होंगे तो लॉस ये ट्रीटमेंट और ये वाली ट्रीटमेंट सेम ही है ट्वेल्थ ए बी सी देखो या थर्टीन नंबर का ए बी सी देखो उसमें ऐसा है ट्वेल्थ वाले में कि मार्केट में बेच दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट होने वाला है थर्टीन में को वेंचरर ले जा रहे हैं तो को वेंचरर अकाउंट डेबिट होगा बस डिफरेंस इतना ही है तो को वेंचर अकाउंट डेबिट एंड ज्वाइंट वेंचर अकाउंट भी डेबिट ही होगा फिर रिटेंशन ऑफ मनी अमाउंट मतलब जो पैसे बचे हैं वो ये तो काम की नहीं है वो तो टोटलिंग बैलेंसिंग आएगा फॉर रिटेंशन मनी इज टेकन ओवर बाई को वेंचर मतलब पैसे लाओ या पैसे ले जाओ ये डिफरेंस अमाउंट डिफरेंस यानी कि बैलेंस अमाउंट जो बैलेंस ढूंढ के फिर हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं वो वाली तो ये एंट्री आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है फिर टेकिंग ओवर ऑफ़ द गुड्स एंड जॉइंट अदर ज्वाइंट वेंचर असेट्स मतलब बिजनेस ख़त्म हो गया पर बिजनेस में मतलब हमने ओवरब्रिज बनाने का काम खत्म कर दिया बट अभी भी बहुत सारे सीमेंट की थैलियाँ पड़ी हुई है अभी भी जे भी या दूसरे जो मशीनरीज हमने लिए थे वो ऐसे ही पड़े हुए हैं तो उसको छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे अब परमानेंट पार्टनरशिप भी नहीं है कि हमेशा के लिए रहने वाले हैं तो हम क्या करेंगे वो जो असेट या गुड्स है वो क्या करेंगे को वेंचरर्स लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कंसर्न को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर ये एक तरह से सेल जैसा ही हुआ सेल या विदड्रॉ अभी एक्चुअली में सेल नहीं है पार्टनर ले जा रहे हैं मतलब को वेंचर ले जा रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो यहां पर क्या होगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पर एंड कौन ले जा रहा है को वेंचरर तो को कोवेंचर में डेबिट साइड पर फिर सेम चीज कि इसके ऊपर अगर प्रॉफिट हुआ ये बैलेंस की फिगर्स है ये अकाउंट का हम बैलेंस ढूंढेंगे तब आएगा तो ये अभी नहीं करना ये जब फुल फ्लेज एग्जांपल में टेबल बन गया ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट लॉस तो ज्वाइंट का totaling करेंगे 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 जो balance मिलेगा उसको transfer करेंगे. वहाँ पर transfer करेंगे? के तो तो अकाउंट का account जो बैलेंस होगा या तो कैश में पैसे लेके आएंगे या तो कैश में पेमेंट हो जाएगा और फिर कैश अकाउंट फाइनली पहली हो जाता है तो यह आपको याद नहीं रखनी है यह जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे तब उसका टोटलिंग और बैलेंसिंग का काम है क्लियर हो रहा है तो यहां पर हमारा यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हुआ ठीक है और आपको एग्जाम्पल इसी के ऊपर आने वाला है जो कि इसके बाद वाले सेशन से मैं करवाने वाला हूं इसके आगे वाला जो थियोटिकल लेक्चर था वो भी देखना है फंडामेंटल नॉलेज के लिए ये वाला लेक्चर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके बाद वाले एग्जाम्पल तो एक्चुअली में आपको एग्जाम में दिखने ही वाला है तो वो एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ लो गे दो एग्जाम्पल भी मैंने प्रैक्टिस और अच्छे से कर लिया है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आने दो कोई टेंशन नहीं होगा एकदम प्रॉपरली स्टेप टू स्टेप करवाऊंगा बस आपको क्या करना है अभी मैं आपको टाइम देने वाला हूं तो वो पंद्रह मिनट का टाइम लेके अच्छे से ये तीन टेबल जो बनाने हैं जो आगे समझाए वो उसमें डेबिट क्रेडिट साइड पर क्या रिकॉर्ड होता है वो याद कर लो फिर ये जर्नल एंट्रीज याद कर लो और नोटबुक में इसको एक बार लिख लो और जब भी टाइम मिलता है इस वीडियो को आप देखो ये लेक्चर का भी वीडियो आपको हमारी सास ऐप पर देखने को मिलेगा प्री रिकॉर्डेड वीडियो सभी सेपरेट टॉपिक के वो भी मैंने ऐप पर रखे है वो भी आप देख सकते हैं तो जब भी टाइम मिलता है साहस ऐप से वो वीडियोस देखो ताकि बाय डिफॉल्ट आपको वो याद रह जाए पंद्रह बीस मिनट निकालने होंगे बट एक बार माइंड में फिट हो गया ना फिर जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना तब आपको किसी को बताने में शर्म नहीं आएगी तो कि रिजल्ट बढ़िया आएगा तो उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट्स डालनी है आप इतना सारा टाइम निकालते हो थोड़ा सा टाइम दिन में आधा घंटा एक घंटा साहस ऐप से वीडियो देखने के लिए निकालो रेगुलर हैबिट रखो एक दिन आज बोला है सर ने तो आज देख लेते हैं या अभी रिजल्ट आया इसलिए देख लेते हैं या टेस्ट होने वाला इसलिए देख लेते हैं ऐसा नहीं डेली एक डेढ़ घंटे निकाल के ऐप पर से वीडियो देखो नॉर्मल स्पीड की जगह पे आप 1.25 या 1.50 करके देखो मुझे प्रॉब्लम नहीं है हाँ उससे ज़्यादा मत करना बट उतनी स्पीड पर एक डेढ़ घंटा खुद के लिए निकालो आपका रिजल्ट देखो टेरीफिक आएगा इतनी अच्छे से सारी की सारी चीज़ें उसमें समझाई हुई है बस आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है खुद के लिए फिर कोई टेंशन नहीं पेरेंट्स को आंसर्स देने में पेरेंट्स का टॉर्चरिंग सुनने में आपको जितना टाइम जाता है उसके ऊपर आपका दिमाग जितनी चीज़ें सोचने में लग जाता है उससे बहुत कम टाइम में ये काम हो जाएगा ऊपर से पेरेंट्स खुश होंगे वो अलग उसके पॉजिटिव रिएक्शन मिलेंगे वो अलग आपकी कुछ डिमांडें भी पूरी हो जाए वो अलग तो इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के साहस ऐप से सारे के सारे सेशंस को देखो और आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं ऑफलाइन मोड ऑनलाइन लाइव मोड या साहस एप्लीकेशन मोड जिसमें भी एडमिशन लेना है ओपन है करंट सेमेस्टर के लिए भी और आने वाले सेमेस्टर के लिए भी तो अपने सारे दोस्तों को जरूर बताओ ठीक है चलो मैं टाइम दे रहा हूँ सब लोगों को पंद्रह से बीस मिनट का टाइम दे रहा हूँ सभी की सभी जर्नल एंट्रीज अच्छे से रिफर कर लो ओके यहाँ पर मैं मेरा लेक्चर एंड कर रहा हूँ जर्नल एंट्री पढ़नी है मैं पूछूंगा बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल